नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया दस्तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल रहे। बड़ा गांव के सरस्वती शिशु मंदिर में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने 15 अगस्त के शुभ अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने देशभक्ति गानों पर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए। वहीं प्रधानाचार्य श्री अव्वल सिंह नेगी ने कहा कि हम हर साल अपने सरस्वती शिशु मंदिर में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित करते हैं। जिस रंगारंग कार्यक्रम में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे सुंदर देशभक्ति के गानों में अपना सुंदर प्रस्तुति देते हैं। पिछले साल कोरोना महामारी के चलते हम लोग राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त को धूमधाम से नहीं मना पाए थे, जिस कारण कहीं ना कहीं छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों में थोड़ी बहुत निराशा देखने को मिली। इस वर्ष हम लोगों ने अपने स्कूल में 15 अगस्त बड़े ही धूमधाम से मनाया है। संस्था रॉयल ब्रिगेड द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत 75वें स्वतंत्रता दिवस पर शहर में भव्य तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें शहर के सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा अभियान की शुरुआत रॉयल ब्रिगेड के संस्थापक विक्रम सिंह पंवार ने की। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां 15 अगस्त के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यशोधरा राजे सिंधिया देवास पहुंची थी। कार्यक्रम के बाद उनसे मिलने कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी पहुंचे। इसी दौरान मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने सज्जन सिंह वर्मा को बीजेपी में शामिल होने की बात कही, जिसके जवाब में सज्जन सिंह ने कहा कि ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री उनसे नाराज हो जाएंगे। 15 अगस्त पे क्या देश के नाम संदेश देना चाहेंगे? मैं तो 15 अगस्त के इस महान पर्व पे संपूर्ण भारतवासियों को एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम सबको धर्म और जाति मजहब से ऊपर उठ के भारत कैसे आगे बढ़े, इस बात के तरफ हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। कई राजनीतिक दल आज भी हमें धर्म और मजहब में उलझाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के देवास में तेज बारिश के बाद भी झंडा वंदन किया गया। बता दें कि खेल और युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार मंत्री देवास प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने तिरंगा फहराया। उसके बाद मुख्यमंत्री पद का वाचन किया और राष्ट्रगान का वाचन भी किया गया। जौनपुर जिले के महाराजगंज में 75वां आज़ादी के महोत्सव के साथ स्वतंत्रता दिवस ग्रामीण क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि सर जेपी महिला महाविद्यालय के प्रबंधक भाजपा नेता राजेश जय सिंह के नेतृत्व में रैली निकाली गई। इसी क्रम में धर्मो देवी सोनी इंटर कॉलेज के अध्यक्ष भोला प्रसाद सेठ, प्रबंधक शिव पूजन सेठ के नेतृत्व में भी प्रभात फेरी करते हुए बच्चों ने पिरामिड बनाकर ध्वजारोहण किया। वहीं अन्य संगठनों ने ग्राम पंचायत नाहरपुर,
दोगोली के पंचायत भवन में एसडीएम प्रदीप कुमार, ग्राम प्रधान पति सुनील कुमार, पूर्व प्रधान उषा देवी के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए एसडीएम ने अपने विचार व्यक्त किए। पंद्रह अगस्त के मौके पर केजीएस सीमेंट की तरफ से तिरंगा जागरूकता रैली निकाली गई। बता दें कि केजीएस सीमेंट की तरफ से सोमवार को अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था। तिरंगा रैली का नेतृत्व केजीएस सल्ट प्रमोटर आनंद कुमार सिंह बबलू ने किया। रैली के केजीएस बदलापुर ऑफिस से शुरू होकर मुख्य बदलापुर ऑफिस समाप्त हुई। वहीं रैली में युवाओं ने डीजे की धुन पर देशभक्ति गीत गाकर नारे लगाए। मध्य प्रदेश के खरगोन में कलेक्टर परमोष्टम कुमार ने डीआरपी लाइन मैदान स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री के संदेश वाचन किया। साथ ही स्कूल के बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। वहीं अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिनिधियों के साथ ही जिला अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर तिरंगा लहराकर उत्सव मनाया गया। लक्सर में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। बता दें कि तहसील दिवस में अभी तक मात्र 7 शिकायतें पहुंची हैं। ज्यादातर शिकायतें अतिक्रमण सड़क निर्माण में गड़बड़ी को लेकर की गई हैं। वहीं एसडीएम गोपाल राम बनवाल ने सभी शिकायतों की सुनवाई भी की है। रुड़की में गंग नहर किनारे स्थित भाजपा के विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पर स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। इस मौके पर भाजपा विधायक ने कहा कि आज़ादी के महोत्सव पर पूरा देश एक साथ नजर आ रहा है, तब सभी लोग धूमधाम से आज़ादी के इस पर्व को मना रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव चतुर्वा स्वतंत्रता दिवस हम लोग धूमधाम से जोर शोर से मना रहे हैं। आज सभी में एक उत्साह है, एक जोश है और देश के प्रति सभी समर्पित हैं। देश के प्रति सभी संकल्प ले रहे हैं कि देश को हमें के प्रति समर्पित रहना है, देश के प्रति हमें जागरूक रहना है। अखंड भारत का संदेश, मजबूत भारत का संदेश आज हम लोगों ने दिया है। हर घर तिरंगा, हर घर झंडा लहराकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था, हमारे संगठन ने आह्वान किया था कि हर घर झंडा लहराएगा, हर घर तिरंगा लहराएगा। इसी के तहत आज पूरा देश, पूरा शहर, पूरा प्रदेश झंडे से, तिरंगे से जगमगा रहा है और सभी जगह झंडा लगा हुआ है। अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।